जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज आप लेके आए डायजोनियम कपलिंग। तो आइए जानते हैं क्या होती है डायजोनियम कपलिंग। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद कपलिंग एजेंट्स टू गिव कलर्ड एजो कंपाउंड्स और डाई। बच्चों होता क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कपलिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है। ये कपलिंग एजेंट फिनॉल्स, नेप्थोल्स या एरोमेटिक एमीन्स में से कोई भी एक हो सकता है और हमको मिलते हैं रंगीन कंपाउंड जिनको बोलते हैं डाई और एजो डाई। About half of the using dyes are azo dyes। क्या आप जानते हैं कि हमारे जिनकी जो रंगीन है वो सिर्फ और सिर्फ azo derivative या azo dye की वजह से है। और हाँ, ये कलर हमारी लाइफ में इतने घुल मिल गए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि होली में जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी ये आ चुके हैं और आप इनको यूज़ करते हैं चेहरे के ऊपर लगाने के लिए। अब जानते हैं कि azo dye बनती कैसे है। तो बच्चों यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है। ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, इसका रिएक्शन कराया है फिनोल के साथ में। आपको बताया था कि हमने फिनोल, एनिलीन या फिर हमारे नेफ्थोल्स को हम लोग यूज़ करते हैं कपलिंग एजेंट। तो हमने यहाँ पे फिनोल लिया हुआ है, मीडियम जो है वो स्लाइटली एल्केलाइन रखते हैं, पीएच 8 से 9 के आसपास रहती है, मॉडरेटली बेसिक रहती है। अब यहाँ पर देखिए फिनोल की फोर्थ पोजिशन पे यानी पैरा पोजिशन पे मेनली रिएक्शन होती है और ये डाई एजो जो ग्रुप है यहाँ पे दो नाइट्रोजन जिस कंपाउंड में लगे होते हैं उसको डाई एजो बोलते हैं। एजो मीन्स नाइट्रोजन होता है बच्चों, और ये बन जाती है हमारी येलोइश ऑरेंज कलर की एजो डाई। बहुत सारे एग्जाम में आप ये कलर जरूर ध्यान रखिएगा, कलर पे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि रिएक्शन हुआ कैसे। डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स। बच्चों जो हम लोग कपलिंग कर रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं एजो डाई बन रहा है, तो जितनी भी एजो डाई बनने की कपलिंग रिएक्शन होती हैं वो सब के सब एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स। क्या आपको क्लियर है। दिस रिएक्शन डायजोनियम आयन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल विच इज वीक इलेक्ट्रोफाइल सो इट नीड्स स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल। जो बड़े काम का पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिए कि यहाँ पर जो आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है वो आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा डायजोनियम आयन, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इसकी नेचर काफी वीक होती है यानी इसको इलेक्ट्रॉन की उतनी जरूरत नहीं होती जितना नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल को होती है। तो यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए डायजोनियम कपलिंग कराने के लिए जो सामने से न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए तब जाके ये डायजोनियम के साथ कपलिंग करेगा। कैसे, आइए देखते हैं आगे। बच्चों अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप या NH2 ग्रुप या NR2 ग्रुप लगा होता है तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये ग्रुप जो होते हैं स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और बेंजीन बन जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितने भी ग्रुप लगे हैं उन सब पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है दीज आर द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ द रिंग। ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है और जब ये कॉन्जुगेशन का पार्ट होंगे तो आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए एकदम से तैयार रहता है और यू कैन से सिंपली मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डायजो कपलिंग कराता हूँ इन सारे कंपाउंड में तो सर बेंजीन में नहीं हो पाएगी क्योंकि बेंजीन उतना न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर नहीं है, इस पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो उतनी नहीं है कि वो डायजोनियम कपलिंग के लिए सफिशियंट हो, लेकिन इन सारे डेरिवेटिव में इजीली हो जाएगी और बहुत फास्टली होगी देन दैट ऑफ बेंजीन क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। कपलिंग मेनली अकर्स एट पैरा पोजिशन बट अकर्स एट ऑर्थो पोजिशन व्हेन पैरा पोजिशन इज ऑक्यूपाइड। बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उनके ये ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे होगी, आपको दिखाया था अभी, लेकिन ये मेनली जो होती है वो पैरा पोजिशन पे होती है, ज़्यादातर यहीं से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन कुछ डेरिवेटिव में जो होता है ये ऑर्थो पे भी मिल जाती है, लेकिन कंडीशन ये है कि तब पैरा पोजिशन जो है वो ब्लॉक होनी चाहिए, वहाँ पे कोई ग्रुप पहले से लगा हुआ होना चाहिए। क्या ये आपको क्लियर है।
चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा अल्फा नेफ्थोल है यहाँ पे इन दो पोजीशन पे रिएक्शन हो, मेन कंपाउंड यहाँ से बनेगा, यहाँ से माइनर बनेगा। यहाँ पे बच्चों बीटा नेफ्थोल में जो होगी वो हमारा ऑर्थो से होगी, क्योंकि इसका पैरा ब्लॉक है, डिस्कस करेंगे बाद में। अब लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोनियम कपलिंग की, कपलिंग होती कैसे है भाई, चलो जानते हैं। आइए देख लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से मिला है हमको इलेक्ट्रोफाइल, जो वीक है, काफी ज्यादा वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। आप देखते हैं सामने कौन है, तो यहाँ पे कपलिंग एजेंट है हमारा फिनोल, फिनोल आप जानते हैं, यहाँ पे ये जो है लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो डेंसिटी काफ़ी बढ़ेगी ऑर्थो पे और पैरा पे। बेसिक मीडियम रखते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 8 से 9 पीएच रहती है। और यहाँ पर होता क्या है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जाएगी, और बच्चों जब ये जाएगी तो यहाँ पर एन और इस कार्बन के बीच बॉन्डिंग होगी, कुछ ऐसे आप देख पा रहे हैं। अब जब ये बॉन्डिंग हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो हमारा बना है कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा नॉन एरोमेटिक इन नेचर। अब तक जितने भी कंपाउंड थे वो सब एरोमेटिक थे, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक आप जानते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पर होगा क्या, तुरंत यहाँ से ये वाला जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, जैसे कि बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है, और ये यहाँ से H एटम H प्लस बन के बाहर निकल जाएगा, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल बाहर आ गया है, क्लियर है आपको। और यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रोफाइल ने हमारे H इलेक्ट्रोफाइल को H प्लस को बाहर निकाल दिया, इसीलिए तो बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये यहाँ पे कपल हो गया, वापस एरोमेटिक बन गया, और कलर होता है येलो ऑरेंज एजो डाई। ध्यान रखिएगा बच्चों, बुक्स में ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये सिस डाइएजो फॉर्म में नहीं रहता है, ये ट्रांस डाइएजो फॉर्म में रहता है, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। क्या आपको ये क्लियर है? तो आइए बच्चों कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए, ये आपको करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कुछ। तो आप देखिए यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम, यहाँ पे डिफरेंट कपलिंग एजेंट आपके सामने है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना के देखना है, तो बना के देखिए ईमानदारी से, बनेगा क्या उसी से क्लियर होगा कि आपको कि आपने कितना सीखा और आपको कितना आया। तो पोज कीजिए, बिन देखे बनाइए, देखते हैं कितने लोगों का कितना आंसर सही आता है। जब एनिलीन के साथ रिएक्शन होती है तो मीडियम जो होता है वो मॉडरेट एसिडिक रखा जाता है, पीएच जो होती है वो 4 से 5 रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन इस पर भी बना हुआ है, तो यहाँ पे जो पीएच रहेगी वो अबाउट 4 to 5 रहती है। और यहाँ पे आपको बताया था कि जब एनिलीन लगा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, तो उसकी पैरा पोजिशन पर रिएक्शन होगी, और पैरा पोजिशन आप जानते हैं ये वाली है, तो यहाँ से ये कपल हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, येलो कलर की डाई मिलेगी। क्या आपको क्लियर है? अब आप देखिए अल्फा नेफ्थोल के साथ में ये हमारा जो है फिनोल डेरी, बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, फिनोल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग मीडियम रखते हैं, मॉडरेटली बेसिक पीएच रहेगी 8 से 9, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ऑर्थो पे रिएक्शन जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्टीरिक क्राउडिंग के चांसेस रहते हैं, बड़ा ग्रुप रहता है, तो पैरा पोजिशन पे जाएगी, तो रिएक्शन यहाँ पे होगा और प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा। क्या आपको क्लियर है? तो ऑरेंज कलर की डाई आपको अल्फा नेफ्थोल से ऐसे मिलेगी। बात करते हैं बच्चों बीटा नेफ्थोल की, तो बीटा नेफ्थोल में मीडियम जो रहेगा वो डायल्यूट एनएच रहेगा, पीएच 8 से 9 रखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए इसके एस्पेक्ट में ये वाली ऑर्थो है, आप समझ पा रहे हैं, ऑर्थो ऑर्थो ये हमारी मेटा है, और पैरा हमारी ब्लॉक हो गई है जो पहले डिस्कस किया, तो पैरा पे रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा बीटा नेफ्थोल में हमेशा ऑर्थो से रिएक्शन जाती है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पे पैरा अवेलेबल नहीं है, तो रिएक्शन यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ आपका मन करे करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर है आपको? ये देखिए, और जो कलर होगा वो कलर होगा डाई का ऑरेंज रेड एजो डाई, समझा भाई? तो बच्चों यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और हैं, दोनों में रिएक्शन जो है फिनोल के साथ कराई हुई है, जो पीएच रहेगी वो आप जानते हैं 8 से 9 के आसपास रहेगी, मॉडरेटली बेसिक रहेगी, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ बेसिक, क्लियर है आपको।
और बच्चों यहाँ से डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम्स बनती हैं, इसलिए आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कपलिंग होगी तो क्या बनेगा, बनाइए बनाइए चेक कीजिए, ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो देखिए और सोचिए ऐसा क्यों हुआ। बच्चों आपको पता था कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आपको मिलता है वीक इलेक्ट्रोफाइल, और अगर आपने यहाँ पर अपना कोई मिथोक्सी ग्रुप लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस मीजोमेरिक या प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा, जिससे क्या होगा बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पीछे सप्लाई होंगे तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी कम हो जाएगी, यानी पहले से ही वीक है और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, रिएक्शन नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट नहीं करेगा, रिएक्शन को नहीं जाने देगा, लेकिन अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था यहाँ पे, और ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसका इफेक्ट आप जानते हैं, इसका इफेक्ट होता है माइनस एम या फिर माइनस आर, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से डाइएजोनियम जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी और ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन स्मूथली हो जाएगा। इसलिए पहली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरी रिएक्शन पॉसिबल है। क्या आपको क्लियर है ये? ध्यान रखिएगा की पॉइंट ये है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोर्ट करेगा और आपका एक्टिवेटेड रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सपोर्ट करेगा। बस ये आप ध्यान रखिए, ट्रिकी क्वेश्चन तुरंत आपके बन जाएंगे। पॉइंट ध्यान रखिएगा, डिफरेंट एग्जाम्स में, नीट में, जेईई में और अदर एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।